को रिफ्रेश रखने के लिए और मन की शांति के लिए आज आपको तीन आसन बतलाने जा रही है। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है, कौन से आसन हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं बालासन। बालासन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं इस प्रकार से। और वज्रासन में बैठकर जब आप आगे की ओर झुकें तब श्वास आपको छोड़नी है, पहले आपको श्वास लेनी है। तो आप दोनों हाथों को कानों के पास ले आए और श्वास लेते हुए कानों के पास लाना है, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर जितना हो सके झुके इस प्रकार से। कुछ देर होल्डिंग करें, पूरा ध्यान आपका जो आपने आसन लगाया है उस पे रखें। श्वास लेते हुए धीरे से वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, हाथों को धीरे से नीचे ले आए। इस प्रकार से बालासन किया जाता है। अब दूसरा हम करने वाले हैं मार्जारी आसन। मार्जारी आसन को करने के लिए घुटनों के बल आप आ जाएं, थोड़ी गैप रखें पैरों में और हाथों को इस प्रकार से दूरी पर रखें। अब आपको श्वास लेते हुए ऊपर की ओर देखना है, पीठ अंदर करना है और श्वास छोड़ते हुए पीठ को उठाना है ऊपर की ओर और फेस नीचे करना है। इस प्रकार से करें। मार्जारी आसन रिलैक्स हो जाए। मार्जारी आसन के बाद अब हम करने वाले हैं भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं सबसे पहले, धीरे से पैरों में थोड़ी सी गैप रखें। अब शोल्डर के पैरेलल शोल्डर जहाँ आपके हैं उसके नीचे आपके हाथों के पंजों को जमाएं और सांस लेते हुए आप जितना पीछे ऊपर की ओर उठ सकते हैं उठें। इस प्रकार से ध्यान आपका स्पाइन पे होना चाहिए। ये मैंने आपको अर्ध भुजंग आसन बताया है, पूर्ण भी कर सकते हैं तो उसके लिए आप इस प्रकार से ऐसे भी किया जा सकता है। तो यह तीन आसन आपको बतलाए हैं माइंड को रिफ्रेश रखने के लिए और मन की शांति के लिए। तो आप भी ट्राई करें,